क्या पुत्र, बाहर मिट्टी का चूल्हा है, उस पर पानी गरम कर। मिट्टी का चूल्हा, गैस पर नहीं? वो एक्चुअली ना भाभी क्या है ना, हम लकड़ियां या गैस दोनों ही ना पानी गर्म करने वास्ते वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, है ना? ठीक है। जा, तू भी जाकर नहा ले, कब से जोकरनी बनी घूम रही है, जा। हाँ, मोटी चाय जी। पुर। वीरा, ऐ तूने अच्छा नहीं किया। घर पे तो सारा काम गैस पे होता था, वो आसान था, फिर भी मैं उससे भागती फिरती थी, और यहाँ ये। तो जली नहीं रही है, पानी कैसे गर्म होगा? अरे रब्बा, मैं की करूं? मेरी जिंदगी भी उपलों की तरह जल के राख हो गई। पापा जी, बीजी, यहां तक कि वीर जी ने मेरा साथ छोड़ दिया, ननु इस कैद में वापस ढकेल दिया, और जगजीत कितना बड़ा धोखा दिता उसने। कोई उम्मीद नहीं है, फंस गई मैं ऐसे ही थे, चूल्हा चूका कर करके मेरे सारे सपने दम तोड़ने वाले। मैंने कहा था ना कि मैंने रंग नहीं लगवाना है, क्यों जबरदस्ती रंग लगवाने के बहाने मेरे करीब आ रहा है, पति होने का फायदा उठाना चाह रहा है? आ गई तेरी असलियत सामने, चल कर ले पूरे अपने मन की, कर दे बर्बाद मैनू। चुपचाप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं जी? गलती उनकी है तो सजा भी तो उनको मिलनी चाहिए, आप अपने आप नु क्यों सजा दे रहे हैं? फिर जी, बाय गॉड, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो अब तक तो सब बातें सुना चुकी होती। मीरा, गुंजन इस वक्त टूटी हुई है, ऐसे में उसे मैं कोई दर्द नहीं दे सकता। फिर जी, आपका दर्द, आपके दर्द का बताइए मैनू। मीरा, ये ब्याह करने से पहले मैं जानता था कि इस ब्याह में मैनू कभी प्यार नसीब नहीं होगा। वीर जी,
तो फिर मैं गुंजन को कैसे कोई दोष दे सकता हूँ? मैं अंधा नहीं हूँ वीरा, मैं जानता हूँ कि बिना प्यार के कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। मैंने तो इस दर्द का जीना सीख लिया, पर मैं नहीं चाहता कि गुंजन भी अपनी जिंदगी बर्बाद करे। मैं बस ये चाहता हूँ कि उसे सही और गलत की पहचान हो, सही रास्ते पे जाए वो। वीरा, गुंजन की जिंदगी में खुशियां रहेंगी ना, वो हंसेगी तो मैं भी तो खुशी होऊंगा ना, है ना वीरा? वीर जी, हे वीर जी, आपके जितना बड़ा दिल नहीं है मेरा, ऐसे दर्द में नहीं देख सकती। जिस लड़की ने आपकी कदर नहीं की, किस्मत उसे ऐसा तमाचा मारेगी कि होश ठिकाने आ जाए। वीर जी, मैंने तो लगता है वो बेवकूफ है जो आपके प्यार को नहीं समझ पाए। जो लड़की सारी दुनिया में प्यार की एक बूंद के लिए तरसती रही, वो प्यार का इतना बड़ा सागर नहीं देख पाई। लेकिन वीर जी, सच में मैं उसे इस बात का एहसास दिला कर रहूंगी, उसने अपने हाथ आए मोती गिरा दिए नीचे। वो क्या जाने, उसका पाला वीर जी की वीरा से पड़ा है। मैंनू ना तरस आता है तुम पे। भगवान से ना सारा ध्यान सिर्फ चेहरा मांगने में लगा दिया। अगर थोड़ा सा ध्यान अकल मांगने में लगाया होता ना, तो आज इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आती। कॉमन सेंस है, पानी से भरा हुआ बर्तन चूल्हे पे नहीं रखते, खाली बर्तन रखे, फिर उसके बाद इस जग से पानी भर के इसमें डालिए। गॉड, अगर अकल होती ना तो ये बात समझ में आती कि जिंदगी में किस चीज की कीमत होती है और किस चीज की नहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ वही देखना है जो तुम्हें तुम्हारा स्वार्थ दिखाए। गुंजन पुत्र, ईगल गुंजन पुत्र, पानी गर्म नहीं हुआ हाले तक, कोई मुश्किल आ गई क्या? नहीं, वो चाय जी बस उबल रहा है पानी। चाय जी, जानती है आज ना गुंजन भाभी ने ठान ही लिया कि वो वीर जी के सारे काम करेंगी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि जब तक पानी उबल रहा है ना, तब तक वो वीर जी के कुर्ते भी इस्त्री कर देंगी। सच्ची इतना चाहने लगी है ना गुंजन भाभी वीर जी नू। पता है, मैंने तो कहा भी कि नहीं, मैं मदद कर देती हूँ, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे साफ मना कर दिया। कह दिया वो खुद करना चाहती हैं, उन्हें ना अच्छा लगता है। क्यों? ये तो बहुत चंगी गल है गुंजन पुत्र। पुत्र, तू अगर मेरे छोटे चंद को एक मुट्ठी प्यार देगी ना, तो वो दोनों हाथों से तेरी चोली भर देगा प्यार से। बस तुम दोनों खुश रहो। अच्छा गुंजन भाभी, मैंने ना इस्त्री ऑन कर दी है, तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक आप कपड़े आयरन कर दीजिए। जब पानी उबल जाएगा तो मैं आपको नीचे बुला लूंगी, ठीक है ना? की कल पुत्र, जाना। अरे सरपंच जी, दवाई खाओ। हाँ, उनता यही खानी। सुनो, आज बड़ा चंगा होया ना, रणवीर आ गया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। ना बंसली जी, मैंनू समझ नहीं आ रही है कि अचानक आपको रणवीर पे इतना प्यार क्यों आने लग गया। इन्नी खातिरदारी, इन्नी तारीफें, वो गल की है? लो जी, बुरा कहो तो दिक्कत, और अब अच्छा कह रही हो तो भी दिक्कत है तुहानू। अब सास में उसकी इतना गलाड़ तो करूंगी ना, वैसे उपकार तो किया ही ना उसने हम पे, और
सही वक्त पे रिश्तेदारी जुड़ी है, तो वो सरपंची के चुनाव आने वाले ना, और इस चुनाव में जब रणवीर मेरे बलदेव का साथ देगा ना, तो मेरे पुत्र को सरपंच बनने से कोई नहीं रोक सकता। सरपंच बलदेव नहीं, रणवीर बनेगा, क्योंकि इस पद का असली हकदार वही है, और रणवीर का साथ देगा बलदेव। सरपंच जी, आपने तो ना मेरी हर बात को टोक लगानी होती है, अब क्या पता कि रणवीर चुनाव में खड़ा होगा कि नहीं, उसे मना कर दिया तो। गल दसो तुसी, तुहाडे मन च चल की रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा, मैं तो ऐसी कह रही थी जो मेरे दिल की बात थी, और वैसे भी जो भी हो ना, दोनों तरफ फायदा तो मेरा ही है, पुत्र नहीं सरपंच बना तो दामाद बन जाना है। अभिजीत, 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 ये तोहफा बाहर पड़ा था और गुंजन के ससुराल वास्ते था क्या? हाय रब्बा, मैंने गुंजन के लिए झुमकियां ली थी, कुड़ी को देना ही भूल गई। ना बंसरी जी, आपने गुंजन के लिए झुमके खरीदे? हाँ, वो ब्याह में कुछ दिया नहीं था ना, तो पिंड वाले बड़ी बातें बनाते हैं, सोचा कुड़ी होली पे घर आएगी तो उसको दे दूं कुछ। वैसे सरपंच जी, आप क्यों तो चौंक रहे हैं, माँ हूं मैं उसकी, अपनी कुड़ी को झुमके नहीं दे सकती क्या? बीजी, मैं दे आता हूं ना झुमके। अरे नहीं नहीं, रहने दे, अब कहां जाएगा, एक दो दिन में जाऊंगी मैं उनके घर, अपने आप दे आऊंगी, रख दे अभी। नहीं 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 नहीं, मतलब गुंजन की खुशी कल परसों क्यों टाल रहे हो, हैं? अब मैं दे आता हूं ना झुमके, अब उसी बहाने ना मैं भी, मतलब गुंजन से भी मिलाऊंगा, हैं? अरे अभी तो मिला उसे, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे। बीजी, बहन है मेरी गुंजन, अब मन कर रहा है तो बस कर रहा है, हैं? मिल ही आता हूँ, है ना? अच्छा, जा, दे आ। हाँ, जा जाता हूँ। ओए विराकड़ी, मेरी शेरनी, आया तेरा शेर। ये काम करो, वो काम करो, कर बना रखा है। कहाँ महलों के सपने देखे थे मैंने? गुंजन भाभी, पानी गर्म हो गया है, जल्दी आ जाइए। हाँ, आई। रामनाल गुंजन भाभी, ओहो देखिए ना, पानी नीचे से लग रहा है, अब ऐसे करेंगे ना तो आपको तो पैर फिसल जाएगा। भाई रब्बा, बहुत सारे काम बाकी है, सोचिए अगर आपकी हड्डी वड्डी टूट गई तो। भाई रब्बा, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती फिर आप बाकी सारे काम कैसे करेंगी, अपने पति देव की और अपने सास की ऐसी सेवा कैसे कर पाएंगी, है ना? वो क्या है ना गुंजन भाभी, मेनू लगता है कि आपको ये सारे काम करने की आदत नहीं है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, सब सीख जाएंगे आप। सच्ची ये मेरे नहाने का पानी है, मैं इसे ले जाऊंगा। सुनिए तो क्या है ना, मेरे वीर जी है ही इतने अच्छे, दूसरों की तकलीफ ना उनसे बिल्कुल नहीं देखी जाती, भाई कौन मोम का दिल है उनका, यूं पिघल जाता है। लेकिन वो क्या है ना, उनकी बहन उनसे थोड़ी सी अलग है, जो लोग मेरे अपनों को तकलीफ पहुंचाते हैं ना, उनको सबक सिखाना मैंने बहुत अच्छे तरीके से आता है, एवी नहीं छोड़ती वीरा। सच्ची आपको ऐसी हालत में देखी ना, मैंने बहुत तकलीफ हो रही है, आप तो नई नवेली दुल्हन है, सच सवर के रहना चाहिए, है ना? एक काम कीजिए, जाइए मुंह हाथ धो लीजिए। बहुत मजा आ रहा है ना मेरे साथ ये सब करके, मेरा बहुत मजा।
तूने? अब और नहीं, बस देखती जा। वक्त आ गया है कि तो जंग तूने छेड़ी है ना, उसका पलट वार करना मैं शुरू कर दूं। मैनू तेरी चुनौती मंजूर है। है तोहफे तो बड़े खूबसूरत भेजे हैं आप, उतने तुम लोगों के वास्ते भी भेजे हैं तोहफे। वीरा मैं तेरे वास्ते। अयो रब्बा, ये तो चांदी की पायल है, कितनी सोड़ी है। रणवीर मैं तेरे वास्ते। गुंजन के लिए तोहफा? गुंजन के लिए तोहफा नहीं भेजा। अरे हाँ, गुंजन के वास्ते तो कुछ है ही नहीं। अरे एक ही बात हुई बीजी, मंसूरी ताई जी ने ऐसा क्यों किया? सबके लिए इतने अच्छे अच्छे तोहफे भेजे और गुंजन भाभी के लिए कुछ भी नहीं, ऐ तो बहुत बुरी बात है। मैनू त्योहार है, बलवंत भाई साहब का ध्यान रखना, भूल गई होगी भेज देना। तू एक काम कर ले गुंजन, मेरा ये सूट रख ले। अब नहीं नहीं, बीजी ने आपके लिए तोहफा भेजा है, मैं कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती? ले सकती है, ले रख। अगर तेरे को सूट नहीं चाहिए पुत्र, तो ये मेरी शॉल रख ले तू, कोई गल नहीं, मेरे पास बहुत है। नहीं नहीं चाय जी, आप दोनों बड़े हो, आपके तोहफे मैं कैसे ले सकती हूँ? आपने पूछा यही काफी है मेरे लिए। और बड़े तोहफे नहीं देते, उल्टा घर के छोटे जो होते हैं ना, वो तोहफे देते हैं। इसीलिए घर का छोटा अगर कोई सच्चे मन से मैंने तोहफा दे तो शायद मैं मान भी जाऊं। अरे नहीं नहीं वीरा, मैं तो मजाक कर रही थी। तोहफा तेरे पास हो या मेरे पास, बात तो एक ही है। मेरे दिल में तो ऐसा छोटी मोटी बातें आती ही नहीं। एक मिनट गुंजन भाभी, ऐसा थोड़ी ना होता है, आज होली का दिन है और मेरी वीर जी की पत्नी बिना तोहफे के रहे, इतना छोटा दिल भी नहीं है हमारा। आप तो मेरी भाभी है, अब आपके मन में आए या ना आए, हमारे मन में तो आ गया ना कि मेरी भाभी को कोई शगुन ही नहीं मिला, वो भी होली वाले दिन, जबकि शगुन आपके मायके से है, वैसे तो हो ही नहीं सकता ना। वैसे भी गुंजन भाभी, ये पायल क्या चीज है, मैं अपने वीर जी के लिए तो जान भी दे सकती हूँ। ये आप रख लीजिए। नहीं वीरा, मैं तो ऐवी देने छेड़ रही थी, ऐतफा तू रख ले। गुंजन रख ले पुत्र, तेरी ननंद है, इतने प्यार से दे रही है, ले ले। रख लीजिए, अब तू इतनी जबरदस्ती कर ही रही है तो दे दे। हाय, कितनी सोनी पायल है। शुक्रिया वीरा। सत श्री अकाल चाची जी। सत श्री अकाल पुत्र। चाची जी सत श्री अकाल। और रणवी, वीरा, हाय, हाउ डू यू? वीर जी आप यहाँ कैसे? भूल गया, वो तो मैं तेरा तोहफा अब बीजी की तरफ से है। ओ क्या हुआ ना जी, ओ बीजी के दिमाग में ना पहले से ही बहुत ही जोरदार घुचुड़ मुचुड़ चल रही थी, तो उसी के चक्कर में वो तोहफा देना ही भूल गई, तो मैं ले आया। ठीक किया ना? बीजी ने मेरे वास्ते तोहफा? सोने के झुमके, कितने प्यारे हैं ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।